में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा के बाद महागठबंधन के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्के की जीत का दावा किया। उनसे बात की हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय ने। लापुंग में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में प्रचार किया और इस प्रचार के दौरान कई बातों का उल्लेख मुख्यमंत्री ने किया है और मुख्यमंत्री के इस संबोधन के बाद महागठबंधन के जो नेता यहां मौजूद थे उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा। हमारे साथ रांची की पूर्व में रमा खलको भी है। रमा जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री का संबोधन था, लोगों से अपील की है कि मजबूत करने के लिए महागठबंधन को जिताएं। देखिए, आज ये जो महागठबंधन की जो प्रत्याशी है शिल्पी नेहा तिर्की, जिसके लापुंग प्रखंड में जो जनसैलाब उमड़ा है, आने वाले विगत जो 23 तारीख का जो उपचुनाव है और दो नंबर बटन दबाना है, जिसमें आप देखे होंगे कि किस प्रकार से जनसैलाब उमड़ पड़ा है और हमारे इस जनसैलाब सभा को संबोधित करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस बीच में आए हुए थे। राज्य सरकार का जिस प्रकार से विकास का काम चल रहा है, विगत दिनों जिन्हों जो उन्होंने विकास का काम किया है और किस प्रकार से हमारा गठबंधन सरकार मजबूती से सरकार चला रही है और विकास के कामों को जनता तक ले जा रही है, उस चीज़ों को बता करके आज उन्होंने शिल्पा नेहा तिर्की के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले समय में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं ला रही हैं देश में और प्रदेश में, जिस प्रकार से ला रही हैं, उसको कहीं ना कहीं वो जनविरोधी है, जिसे आज देश हमारा अस्त व्यस्त हो गया है। नौजवान का मामला हो या फिर महिलाओं का मामला हो या अन्य मामला हो या महंगाई का मामला हो या बेरोजगारी का मामला, साहब ने आज बता दिया है कि हम जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है शिल्पा नेहा तिर्की उसके पक्ष में है और भारी मत से उनको हम विजयश्री बनाएंगे। हमारे साथ जेएमएम की केंद्रीय समिति की सदस्य सुशीला एक्का भी है। मैडम, ये जो सभा हुई, जो भीड़ आज यहाँ पर देखने को मिली, ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है जो अभी हम लोग का महागठबंधन की जो सरकार है हेमंत जी का, उसी की ओर इशारा कर रहा है। चूंकि आज जिस प्रकार जनसैलाब उसके पक्ष में नेहा तिर्की के पक्ष में जो आया और इतने लोग जनसैलाब उठ करके गांव-गांव से टोला टोला से आए और जो हमारे मुख्यमंत्री ने जो आज वो बोला यहाँ से आह्वान किया कि सबको एक मत होकर के नेहा तिर्की को जिताना है। बीते दिनों रहा है वो इस मांडर उपचुनाव में भी कायम रहेगा? एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित तौर में ये मांडर विधानसभा एक षड्यंत्र के तहत सीबीआई के दबाव में मात्र 4,28,000 के आरोप में सदस्यता खत्म कराया गया। इतना तो हमारे बेड़ो बाजार आइएगा तो लांजी भरदा के तेलीन लोग का इनके मान 5-6 लाख रुपया घर में रहता होगा, लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको मान फंसा के उपचुनाव कराया गया है। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उसके बाद और जिस तरह से मुख्यमंत्री का संबोधन था और जो लड़ाई लड़ी जा रही है मांडर के उपचुनाव में, गठबंधन आश्वस्त है कि 23 तारीख को जब मतदान होगा तो कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं शिल्पी नेहा तिर्की उनके पक्ष में मांडर की जनता जो है वो वोट करेगी। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, लापुंग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।